म्यूजिक आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली और फिजिकली कैसे इफेक्ट करता है? वेल, अगर बात की जाए म्यूजिक की, तो म्यूजिक हम आज से नहीं सुनते आ रहे। म्यूजिक से इंसानों की रिलेशन बहुत पहले से चली आ रही है। उसका एक एविडेंस हम आर्ट के फॉर्म में पत्थर और दीवारों पे देख सकते हैं। म्यूजिक आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण आपके ब्रेन को स्लो एजिंग प्रोसेस में काफी काम आता है। सिर्फ 5-10 मिनट के म्यूजिक सुनने के आपके ब्रेन का वर्कआउट काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। वेल, हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट है इस म्यूजिक का, इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है। जिसमें से एक सबसे मोस्ट कॉमन चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि इसमें से म्यूजिक से हमारी एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और पेन को काफी हद तक काम फील होता है। हमारे ब्रेन के ऊपर इस म्यूजिक का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है। जिसमें से एक सबसे मोस्ट कॉमन चीज ये निकल कर आ रही है कि म्यूजिक आपके एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और पेन को काफी हद तक कम कर देती है, और इसी के साथ आपके स्लीप क्वालिटी को काफी हद तक वेल, एक्सपर्ट काफी समय से ये चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हमारे ब्रेन, जो कि लाखों और मिलियन सालों से इवॉल्व होकर अब ये स्टेज पर पहुंचे हैं। अगर एक्सपर्ट का माना जाए तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। पहले एक म्यूजिक की वाइब्रेशन एयर में ट्रेवल करके किसी तरह हमारे कानों में जाती है, और कानों के अंदर जाने के बाद ये सीधा ईयर ड्रम्स पे टकराती है। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में हमारे ऑडिटरी नर्व सिस्टम पे पहुंचती है, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, और इसी तरह हमें म्यूजिक सुनाई देती है। एक बहुत ही फेमस रिसर्चर जॉन हॉपकिन, उन्होंने ये रिसर्च किया है कि जैज परफॉर्मर और रैपर के ऊपर उन्होंने fMRI स्कैन किया। fMRI स्कैन ये होता है कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक मशीन है। वो ये जानना चाहते थे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो ज्यादा एक्टिविटी शो करता है म्यूजिक सुनने के समय। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जॉन हॉपकिन को ये पता चला कि ब्रेन का 70-80% एरिया एकदम हाई एक्टिविटी शो कर रहा है। हम म्यूजिक सुनने के टाइम अवेयर नहीं रहते, हमारा ब्रेन काफी अवेयर रहता है सबकॉन्शियसली। रोज गाना सुनने से हमारा ब्रेन बूस्ट होता है। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, उससे आपके ब्रेन में काफी बदलाव आएगा, और उसी के साथ आपके लाइफ में भी काफी बदलाव आएगा। तो मेथड नंबर 1 है जंप स्टार्ट योर क्रिएटिविटी। एक्सपर्ट का मानना यह है कि आप वो सुनिए जो आपको बच्चे सुनते हैं, जो आपके बच्चे सुनते हैं, या फिर वो सुनिए जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन सुनते हैं। हम अक्सर वही गाना सुनते हैं जो हमें एकदम पसंद है, जो हम अपने टीनेज के उम्र में सुने करते थे। नए गाने आपके ब्रेन को चैलेंज करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पुराने गाने नहीं कर पाते। आपको नए गाने सुनने में फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे आपके ब्रेन को इसकी आदत होने लग जाएगी। जब आप नया गाना सुनते हो तब आपके ब्रेन का स्टार्टिंग में इसे समझना बहुत मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे इसे समझ जाना एकदम बच्चों का खेल होता है। बहुत डिफिकल्टी होगी अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुनोगे तो, पर इसी प्रोसेस में आपके ब्रेन को ये पता चलता है कि हम रीवायरिंग हो रहे हैं, और ये नया गाना बनाने के चक्कर में आपका ब्रेन रीवायर होता जाएगा, एकदम न्यू पैटर्न फॉर्म करने लगेगा, जो कि आपके ब्रेन को 10x इम्प्रूव कर देगा नॉर्मल से। तो चले आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है म्यूजिक कैन इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। क्या आपको पता है कि म्यूजिक आपके हार्ट के इशू के लिए एकदम बेस्ट चीज़ है? ये चीज़ तो आपने गौर की होगी कि अगर किसी भी जगह हमारी मनपसंद की म्यूजिक लगती है तो हमें अपने आप डांस करने का फील करता है। इसी से अगर कोरिलेट किया जाए तो जब हम डांस करते हैं तो हमारा बॉडी फुल एक्शन मोड में आ जाता है, और इसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो की मात्रा लगभग 50% से बढ़ जाती है। क्या आपको पता है, साइंटिस्टों ने यह पता किया है कि सिर्फ म्यूजिक सुनने से आपके हार्ट रेट, ब्रीथ रेट और ब्लड प्रेशर में काफ़ी बदलाव आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी म्यूजिक सुन रहे हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसी में सुन रहे हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है इट डिक्रीजेस ओवर टायर्डनेस। इसे ऐसे समझिए, मानो कि आज आपने ऑफिस से बहुत काम किया और आप आज बहुत थक गए हो, और आज आप अपने कार से घर आ रहे हो, फिर रैंडमली एक एनर्जेटिक टाइप का म्यूजिक प्ले होता है आपके कार में, तो ये सिमिलर टाइप के केमिकल को रिलीज करेगा आपके ब्रेन में जब आप एनर्जाइजिंग टाइप के फील होते तब। वेल, एक 2015 के रिसर्च के अनुसार जो कि शंघाई यूनिवर्सिटी में हुई थी, उसमें उन्होंने ये पता चला कि रिलैक्सिंग म्यूजिक आपके मूड को फ्रेश करता है और आपके मसल एंड्योरेंस कैपेसिटी है उसे भी मेंटेन करने में मदद करता है, और ये सब इम्प्लाई होते हैं जब आप ज़्यादा काम करके थक जाते हो तब भी। वेल, म्यूजिक थेरेपी सेशन भी आपके ओवर स्ट्रेस का काम करने में बहुत मदद करता है। अगर देखा जाए तो कैंसर पेशेंट
ये थेरेपी ज्यादा यूज किया जाता है। इससे उनको न्यूरो मसल ट्रेनिंग हो जाता है जिनके बहुत बेनिफिट मिलते हैं उनको। तो अब चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर जो कि है इट बूस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। हमें ये पता है कि वर्कआउट करते टाइम म्यूजिक सुनते हैं हम और वो हमें मोटिवेट फील करता है। वेल 2020 के रिसर्च के अनुसार ये चीज सामने आई कि म्यूजिक सुनते समय वर्कआउट करने के से आपका मूड और आपके बॉडी में एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको वर्कआउट करने में और मदद करता है और आपका एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिवली होता है और आपका वर्कआउट लंबे समय तक चलता है। अगर देखने जाए तो एथलीट लोग वर्कआउट समय म्यूजिक सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नॉन एथलीट्स। वेल अगर देखा जाए आपको वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर नहीं बनना है। एक रिसर्च के अनुसार आप म्यूजिक सुनते समय वर्कआउट के टाइम लेस ऑक्सीजन यूज करके अपने लिमिट को पुश कर सकते हो। म्यूजिक मेट्रोनोम के तरह एक्ट करता है आपके बॉडी में। अगर देखा जाए तो म्यूजिक भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का म्यूजिक सुन रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आपके जॉनरा के ऊपर, आपके फेवरेट टाइप के ऊपर। वेल जितने पॉइंट मैंने आपके सामने रखा इससे आप ये बता सकते हो कि आपको म्यूजिक सुनना कितना बेनिफिट पड़ सकता है। तो वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको म्यूजिक सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। अगर आपको म्यूजिक के बारे में और इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस पर चेक कीजिए कि म्यूजिक आपको कितना बेनिफिट दे सकता है।